आज के वीडियो इस वीडियो में हम देखेंगे ये जो 33/11 के भी विद्युत उपशक्ति केंद्र, जो कि 33/11 के भी सब स्टेशन, जो कि ये भदवा का है, रफीगंज औरंगाबाद का, इस पीएसएस के बारे में मैं फुल डिटेल्स आपको समझाऊंगा। ये हमारा पीएसएस है, जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा पूरा पीएसएस है। ये पीएसएस का स्विच यार्ड है, स्विच यार्ड का मेन गेट लगा हुआ है, मेन गेट है। ये पहला ट्रांसफार्मर है, ये दूसरा ट्रांसफार्मर है, और उसके बाद मैं आगे चलता हूँ आपको और ये दिखाऊँगा कि कैसे ये इनकमिंग आ रहे हैं और आउटगोइंग जा रहे हैं। मैं 33 के भी इनकमिंग आ भी रहा है और 33 के भी आउटगोइंग आपको ज़रूरत है तो ये जाएगा। और इंटरकनेक्शन भी है, मान लीजिए एक पीटीआर काम नहीं करता आपका और दूसरे से हमें चलाना है तो वहाँ से आइसोलेटर है, देख सकते हैं बस बार है, तो वो चेंज ओवर ले करके हम लोग इस तरफ कनेक्शन दे देंगे। अगर इस तरफ नहीं चाहिए तो इस तरफ ले सकते हैं, तो दोनों तरफ ऑपरेटिंग है। और बाकी आप और आगे दिखाते हैं कि कैसे ये केबल से फिर 33 के भी इनकमिंग स्विच यार्ड में आया और बाकी डिस इंसुलेटर से जो भी है वो फिर होते हुए अपना वीसीबी के साथ होते हुए, बस बार के साथ होते हुए, फिर दूसरा वीसीबी के साथ होते हुए, सिटी के साथ होते हुए, एलए के साथ होते हुए और अपने ट्रांसफार्मर में चला गया। आगे इसका विस्तृत मैं बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इनकमिंग हमारा आया हुआ है केबल के थ्रू, वहाँ से टैपिंग लिया हुआ है क्योंकि लेने का जगह नहीं था तो हम लोग अभी टेम्प्रेरी इसको केबल से दिए हैं। तो यहाँ से ये हमारा पहला गैंट्री सेक्शन में आया, जो कि कनेक्शन लिया हुआ है डिस इंसुलेटर से, आप देख सकते हैं एले का कनेक्शन दिया हुआ है, दो स्पाइक्स लगे हुए हैं, उसको बोलते हैं लाइटिंग रेस्टर स्पाइक्स। उसका अलग से अर्थ प्लेट रहता है जो कि अलग से उसका अर्थिंग दिया जाता है, और बाकी बॉडी का रहता है और एले का अलग से रहता है, तो तीन टोटल हम लोगों का अर्थिंग वहाँ से निकलता है। बाकी आप देख सकते हैं उसके बाद वहाँ से डिस इंसुलेटर से हम लोग लिए हुए हैं ये आइसोलेटर पे। ये आइसोलेटर है, मान लीजिए कभी उसको डिस्कनेक्ट करना है या कनेक्ट करना है, ये हैंडल के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये सिटी में, सिटी जो है ये करंट ट्रांसफार्मर है, इसमें टोटल तीन कोर के ये ट्रांसफार्मर होते हैं, जिसमें एक मीटरिंग क्लास रहता है, एक जनरल प्रोटेक्शन क्लास और एक डिफरेंशियल रहता है। सब का हम लोग ले करके 11 के भी पैनल में जाते हैं। जब पैनल में चलेंगे, पैनल रूम में अंदर में कंट्रोल रूम बिल्डिंग के अंदर, उसका जानकारी हम वहाँ पे देंगे। तो यहाँ के बाद फिर आपका आता है वीसीबी में, देखिए ऊपर इंसुलेटर लगा हुआ है, वीसीबी में कनेक्टेड है। ये वैक्यूम सेटर सर्किट ब्रेकर इस पीएसएस में जो DDYG, क्योंकि ये हम लोग को इंटर कनेक्शन के लिए, जैसे इनकमिंग से आया इधर, एक इधर से जा करके, जैसे आप देख सकते हैं कि फिर ये बस बार से कनेक्टेड है, अब बस बार से कनेक्टेड है, अब बस बार से कनेक्टेड एक पार्ट इधर को जा रहा है सेकंड के तरफ, जैसा कि आप देख सकते हैं इंटर कनेक्शन है, और एक हमारा पीटीआर की तरफ आ रहा है। तो एक वीसीबी मान लीजिए कुछ हम लोगों को ऑपरेशन करना है, मैकेनिकल का कुछ प्रॉब्लम काम करना है या कुछ भी करना है, एक को काट के हम दूसरा से कर सकते हैं, बाद बाकी आ सकते हैं, आप आगे आ सकते हैं। देख सकते हैं बस बार है, फिर इंसुलेटर लगे हुए हैं, फिर इंसुलेटर के बाद ये वीसीबी है, वीसीबी के बाद सीटी लगे हुए हैं, सीटी के बाद फिर आप देख सकते हैं एलए लगे हुए हैं। अभी इसका कलर कोडिंग नहीं किया हुआ है क्योंकि ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है, नहीं तो सारे का RYB में कलर कोडिंग होगा, नेम प्लेट भी बकायदा लिखा रहता है, जैसे ये कितने का सिटी है, 33 KV के लिए है, 11 KV के लिए, उसका लिखा हुआ रहता है, जैसे इसमें 33 KV का 33 KV का प्लेट लगेगा और RYB का कलर कोडिंग भी होगा। उसके बाद देख सकते हैं एले के बाद हम ट्रांसफार्मर के पास जाते हैं। ये हमारा PTR है 5 MVA का, 5000 KVA इसको बोल सकते हैं। ये 33/11 KV का है, यहाँ से 33 KV इनपुट और आउटपुट, 33 KV और 33 KV से ये 11 KV पैनल में जाएगा, जो कि पैनल के बाद फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन फीडर के थ्रू, डोमेस्टिक फीडर हैं 4 डोमेस्टिक फीडर और 2 एग्रीकल्चर फीडर, जिसमें से एक स्पेयर हम लोग रखते हैं। कहीं पर भी जब भी हम लोग फीडर सिलेक्शन करते हैं तो एक स्पेयर जरूर रखना चाहिए कि कल के डेट में कुछ ब्रेकर में प्रॉब्लम हुआ या फीडर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो दूसरे फीडर से हम लोग दे सकें। तो आइए बताते हैं आप ट्रांसफार्मर के बारे में। ये हमारा PTR है जो कि रेल पोल पर रखा हुआ है, यहाँ पर स्टॉपर लगे रहते हैं, और ये PTR में ऑयल कंजर्वेटर है, ये सिलिका जेल ब्रीदर हो गया, ये ऑयल कंजर्वेटर हो गया, ये अपना मार्शलिंग बॉक्स है, इसमें OTI ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर दिखाता है। ये सब का एक
ये जो जितना टेम्परेचर लेता है वो टेम्परेचर उतना दिखाएगा, और जैसे कि किसी में होता है कि 90 टेम्परेचर तक रहता है ट्रिपिंग का, कि 90 टेम्परेचर के बाद जाएगा या 100 टेम्परेचर के बाद जाएगा, तो ये पीटीआर का वो वहाँ पे अलार्म देगा, एक अलार्म का रहेगा 80 पे और 90-100 में वो ट्रिपिंग का रहेगा। तो ये अलग अलग में अलग अलग हम लोग लेते हैं कि कितना होना चाहिए। जैसे 5 MVA का ट्रांसफार्मर है तो वही 80-90 रहेगा आपका अलार्म के लिए, और उसके ऊपर जाएगा तो वो ट्रिपिंग का चलेगा बीसी बीच। ये रेडिएटर्स है, रेडिएटर्स पिंस बोलते हैं इसको, ये पीटीआर अभी चार्ज्ड है। ये देखिए बॉटम ऑयल फिल्टर वाल्व है, जैसे कि आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए टेस्टिंग के लिए ऑयल को लेना है तो BDV से टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हायर लेवल में जाएंगे तो DGA होता है, डिजॉल्व गैस एनालिसिस, उसको आप लोग इस यहाँ से तेल निकाल करके और टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए वो टाइप चेंजर है, इसको बोलते हैं, एक बोलते हैं ऑनलोड टाइप चार्जर, ये ऑफलोड टाइप चार्जर। तो ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में ऑनलोड टाइप चार्जर टाइप चेंजर होते हैं, जैसे कि ऑनलोड टाइप चेंजर में आप पैनल से डायरेक्टली वहाँ से कर सकते हैं, वो खुद ही ऑटोमेटिकली ऑनलोड टाइप चेंज कर लेगा। यहाँ पे ऑफलोड टाइप चेंजर लगा हुआ है और देख सकते हैं ये 3 पे दिखाया हुआ है, थोड़ा नजदीक आइएगा कैमरा को, यहाँ देख सकते हैं ये 3 पे दिखाया हुआ है ऑनलोड टाइप चार्जर, मीन्स 3 पे है। नॉर्मली कितने पे रहना चाहिए वो आप देख सकते हैं नेम प्लेट से, जो कि दिखाया हुआ आपका 3 पे दिखाया हुआ है, तो इन लोगों ने 3 पे लिया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं रेटेड 5, ये नेम प्लेट है ट्रांसफार्मर का, जो देख सकते हैं रेटेड जो है वो 5000 KVA है, जो कि 5 MVA 33 KV HV साइड है, 11 KV लो वोल्टेज साइड है, MPA जो है वो 87.47 है HT साइड में, और LT साइड में 262.43 है। वेक्टर ग्रुप जो है आपका DY11 में है, डेल्टा और वाई सेकेंडरी और न्यूट्रल, ये जो है 11 डिग्री के, मतलब सेकेंडरी जो है वो 30 डिग्री लैप्स करेगा, मतलब प्राइमरी डिग्री वो 30 डिग्री लैप्स करेगा सेकेंडरी से, तो ये वेक्टर ग्रुप होता है, इसके बारे में जानकारी हम फिर देंगे। वाइंडिंग मटेरियल जो है वो कॉपर देख सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ कूलिंग है ONAN, इसका मतलब वो ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ऑयल फोर्स एयर फोर्स होता है, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स रहता है, तो ये यहाँ पे जैसे ये उतना बड़ा ट्रांसफार्मर नहीं है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में फोर्स कूलिंग होता है, पंखे लगे रहते हैं, यहाँ पे पंखा नहीं लगा हुआ है क्योंकि ये 5 MVA का ट्रांसफार्मर है, ये ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल इसके लिए कूलिंग के लिए काफी है। कोर एंड कॉइल जो है उसका केजी दिया हुआ है, वेट ऑफ ऑयल है, ऑयल क्वांटिटी कितने होना चाहिए वो दिया हुआ है, जैसे कि 2697 लीटर्स हो गया, टोटल वेट इतना हो गया 12,550 KG, और यही सब ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है आपका जो भी है ये सब है। देखिए वहाँ पे एक नीचे में देख सकते हैं कि WTICT दिया हुआ है 260Y/5 एम्पियर, ये मतलब कि जैसे 5 एम्पियर हुआ तो वो जैसे 200 एम्पियर हुआ तो उसका वो डिवाइड बाई 5 करके आप उतना ले सकते हैं कि हाँ भाई इतना मीटर का शो कर रहा है। और 10 VA जो है उसको बोलते हैं बर्डन, 10 VA वो बर्डन है, उससे कितना कनेक्शन आप लिए हैं, मतलब कि मान लीजिए उससे हम 2-3 और कनेक्शन लेते हैं तो 10 VA का मैक्सिमम बर्डन होना चाहिए। क्लास 5 है ये मतलब मीटरिंग के लिए, सिटी के लिए वो क्लास 5 एक क्लास होता है जो मीटरिंग के लिए दिया हुआ है। NCT है, न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर, तो ये इसके बारे में भी जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे पूरे डीप में कि न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ये देख लीजिए ये 600-300/1 एम्पियर है, बस 600-300 एम्पियर/1 एम्पियर है, न्यू वोल्टेज है 300 वोल्ट, और उसके बाद आप देख सकते हैं आई मैग्नीट्यूड है greater than 30 mA, और न्यू वोल्टेज बाई 2 RCT इसका है <= 3 Ω। क्लास है PS क्लास हो गया आपका डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए, तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एक PS क्लास उसके नाम पे आता है कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, कोई भी फेज में करंट का डिफरेंस होता है तो वो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन वो ऑपरेट करेगा, उसमें परसेंटेज रहता है कि R, Y और B फेज में कितना का हमारा परसेंट का डिफरेंस हुआ तो वो वहाँ पे अलार्म देने लगेगा, और उसके बाद ज़्यादा वो डिफरेंस हुआ तो वो ट्रिप कर जाएगा उतने टाइम में, 10 सेकेंड या 5 सेकेंड या 5 मिली सेकेंड जो भी उसका टाइमिंग होगा। उसके अगले वीडियो में हम दिखाएंगे कि वो कितने का वहाँ पे सेटिंग किया हुआ है रिले में अपना, जो इसका रिले होगा डिफरेंशियल रिले। ठीक है आगे चलते हैं, यहाँ ऊपर में देख सकते हैं कि 3 जो है सेकेंडरी साइड में 3 कनेक्शन 11 KV का, ये अंडरग्राउंड होकर के ये पैनल रूम में गया हुआ है, और एक न्यूट्रल है,
ये न्यूट्रल का अलग से हम लोगों ने अर्थिंग किया हुआ है, बॉडी का अलग अर्थिंग होता है। कहीं भी पीटीआर में बॉडी का अर्थिंग और न्यूट्रल का अर्थिंग हमेशा अलग होना चाहिए, क्योंकि जो न्यूट्रल का अर्थिंग है वो सेपरेट रहे, जैसे कि कभी कुछ लीकेज करेंट या कुछ आया तो वो ग्राउंड हो जाए। मतलब इसका कहने का मतलब है कि लीस्ट रेजिस्टेंट पाथ उसको मिलना चाहिए कि वो ग्राउंड हो जाए। इसलिए बोला जाता है कि इसका जो अर्थिंग हो वो प्रॉपर हो, चारकोल डाला हुआ हो, नमक डाला हुआ हो, कि जो अंदर में जो है उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा हो, ताकि कोई भी लीकेज करंट आए तो वो लीस्ट रेसिस्टेंट पाथ बन जाए और तुरंत वो ग्राउंड में हो जाए। तो हमारा कोई भी फॉल्ट आएगा वो ग्राउंड में चला जाएगा, और नहीं हुआ तो फिर ये फॉल्ट अर्थ फॉल्ट में वहाँ पे दिखा देगा आपके रिले मीटरिंग पैनल में। चलिए, तो ये स्विचयार्ड की ये सारी बातें थी। दो VCB आप देख सकते हैं, यहाँ से अच्छा व्यू मिल रहा है। ये दो VCB है, एक VCB उस साइड भी है जो आउटगोइंग की तरफ है, और वहाँ पे एक VCB, एक टोटल चार VCB है, दो इनकमिंग साइड, दो आउटगोइंग साइड। तो ये हमारा स्विचयार्ड का सारा कहानी है। बाकी और भी जो ये 33x11 kV का जो सब स्टेशन है, ये हम पैनल अंदर में पैनल रूम में चलते हैं, वहाँ पैनल रूम में दिखाते हैं, जो कि दूसरे वीडियो में हम दिखाते हैं।